दोस्तों कौन कहता है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हिम्मत की जाए तो हर वो टेक्नोलॉजी और हर वो मशीन भारत में बनाई जा सकती है, जिससे कि ये कहने वालों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा हो सकता है कि हिंदुस्तान में कुछ भी बढ़िया चीज़ नहीं बन सकती। तो यही कमाल किया है वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल ने, जो बहुत ही कमाल की रिपर मशीन लेके आए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। सर नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रो मोटर ऑपरेटेड रिपर्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका और किसान भाइयों का भी, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए, नए नए डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, जो आप सबसे पहले इस रीपर का वीडियो शूट कर रहे हैं, और ऐसी नई जानकारियों के लिए किसान भाई आपका बिल्कुल मैं चैनल पर बने रहे ताकि उनको नई नई चीजें मिलें। जी सर, आप कुछ बोले उससे पहले मैं किसान भाइयों को और आपसे पूछना चाहता हूँ और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई लोग आंखों से देखते नहीं, विश्वास नहीं करते। जब आपने मुझे बताया कि हमने हाइड्रो मोटर के हाइड्रोलिक मोटर से रिपर चलाएंगे बिना पीटीओ के, बिल्कुल, तो यकीन किसान भाई भी नहीं करेंगे। तो कैसे चलेगी वो, सबसे पहले तो वो बताओ, और इतनी लाइट वेट मशीन को आपने क्यों करी है? सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, जो पीटीओ वाले रीपर होते थे, वो रीपर को जब हम आगे देखते हैं तो पीटीओ पीछे से लेके आने की वजह से उनको ट्रैक्टर से तकरीबन 2.5 से 3 फीट आगे की तरफ में, हाँ, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से शुरू होता था। फिर जब आप ट्रैक्टर खेत में चला रहे तो खेत तो ऊँचा नीचा होता ही है, वो यूँ यूँ ऊँचकेगा, इधर उधर जाएगा, बहुत भारी होने की वजह से ज़्यादा ऊँची मेड़ नहीं निकल पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि ये बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं उठते थे। अभी आप देखिए ये बहुत ऊँचा उठा हुआ है, और अभी हमारे पास और भी गुंजाइश है इसको और ऊंचा करने की, हम चाहें तो इसको और भी ऊंचा कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऊंचा नीचा रास्ता है उस पर आप आसानी से ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि वो बहुत बल्कि रीपर होने की वजह से बहुत तकलीफ होती है चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर नीचे की तरफ से पीटीओ के लिए जो शाफ्ट आती है उसकी वजह से ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाता है, इधर उधर जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, शाफ्ट कहीं टकरा जाए तो टूट जाती है, बेंड हो जाती है। फिर पीटीओ का अलग मेंटेनेंस होता है, पीटीओ खराब हो गया है, घूम नहीं रहा है, ज़्यादा उठा के घुमा दिया तो कुछ दिक्कत हो गई। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको पीटीओ वाले रिपर में करना होता था। उसके अलावा भी हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें की हैं चेंज, जैसे यहाँ पर पट्टे की जगह पर आप देखिए पूरी चेन लगी हुई है। वही कह रहा था, पट्टा कहाँ गया? तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इंडिया में पहली बार है कि 7 फीट का रीपर कन्वेयर चेन के साथ में आया। उसके बाद फिंगर भी नहीं है इसमें, आप देखिए विदाउट फिंगर की मशीन है, ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड होती है जो कि स्लाइड करके कटिंग करती है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पूरा अपडेट की है। इसके अंदर फिंगर निकाल दे फिर भी कटिंग स्मूथ होगी? स्मूथ होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, टेस्टेड मेथड है ये। बहुत पहले से इस तरह की मशीनें ऑलरेडी 4 फीट में आती थी, हमने इसको 7 फीट में कन्वर्ट किया है। आप पीछे देखिए गियर बॉक्स भी गायब है। अब वही कह रहा हूं ना, मतलब बहुत ज्यादा हल्की होगी वो मशीन, 3 क्विंटल के आसपास तो आती होगी, 3 क्विंटल के आसपास होती होगी। और ये मशीन का मुझे, मैंने वजन तो नहीं किया है, पर लगभग 100-110 kg के आसपास में वेट इस मशीन, इतने लाइट वेट मशीन आराम से चलेगी, आराम से चल पाएगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज सादा लोहे की नहीं है, प्रॉपर ग्रेडेड मटेरियल है सभी चीजों का, चाहे चेन का हो, चाहे ब्लेड का हो, चाहे नट बोल्ट का हो, चाहे शाफ्ट गियर्स का हो, सभी चीजों का ग्रेडेड मटेरियल है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत खराब परिस्थितियों में चलने के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलिक पंप तो इसको ऊपर नीचे करेगा? बिल्कुल, ये हाइड्रोलिक मोटर है? जी ये हाइड्रोलिक मोटर है, ये इसको घुमाएगी, इसको घुमाने का काम करेगी। इसका पूरा कंट्रोल वॉल वहाँ पर दिया हुआ है, 2 लीवर्स होते हैं जिसमें एक तो आप रीपर को ऊपर नीचे कर सकते हैं और एक लीवर से मोटर को बंद या चालू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार लाइव चला के थोड़ा सा वीडियो में दिखा दे भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, आइए। ये दोस्तों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से वाल्व चालू कैसे करें, तो ये वाल्व को मैं तरफ चालू करूँगा तो रीपर चालू हो जाएगा। बात ये है, आप देखिए ये ना ऊपर नीचे होते समय पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने चलाया, उसके बाद में जब भी मैं ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर करते टाइम ये मोटर बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी जब ये उठ गया है तभी चलेगी। अच्छा,
ऊपर करते वक्त बंद हो गई है, जैसे पूरी ऊपर उठ जाएगी तभी चालू हो। क्या बात है। जो भी स्टार कवर है वो भी क्या होता था, बाकी जो भी मशीनें अभी आती है उनमें छोटा होता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है। ये पूरा लंबा स्टार कवर है और जो स्टार है वो भी डबल बेयरिंग के साथ स्टार इसमें लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर भी एक कटोरी लगाई हुई है, नीचे भी लगाई हुई है, जिससे कोई भी घास वास फंसने की समस्या नहीं आएंगी। और दूसरी चीज क्या है, जो स्पेशल जैसे छोटी फसलें हैं, सोयाबीन है या मूंग वगैरह है, उस तरीके की फसलों को काटने के लिए इसमें ये जो चेन की हाइट वो बहुत नीचे की तरफ दी हुई है, जिससे कि ये बहुत आसानी से उन फसलों को काट पाएगी। ये हमारे पास 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। ये 7 फिट का मॉडल है, वो मिनी ट्रैक्टर के लिए 5 फिट का मॉडल है। इन दोनों के बीच में एक 6 फिट का मॉडल भी आता है, जो मिनी ट्रैक्टर पे भी लग सकता है और बड़े ट्रैक्टर पे भी लग सकता है। जनरली लोग मिनी पे 5 फिट का और बड़े ट्रैक्टर पे 7 फिट का इस्तेमाल करते हैं, और 7 फिट का ही करना चाहिए क्योंकि इस पे बिल्कुल वजन भी नहीं है और कोई लोड भी नहीं है ट्रैक्टर को चलाने के लिए। आप 7 फिट का रीपर ये बड़े साइज के जो 30 HP का 25 HP का ट्रैक्टर है उस पे भी आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। ये मशीन अभी हमें 2 चेन में देखने को मिल रही है, लेकिन जो बेल्ट वाली मशीन आती है वो 4, 5, 3 उसमें आती, तो आपकी मतलब यही मॉडल मिलेगा, इसके अलावा और भी मॉडल है अपने पास? सर इनिशियल फेज पे सोयाबीन की फसल को देखते हुए हमने 2 बेल्ट की मशीन ही डेवलप की है, बट यहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें 3 बेल्ट या मतलब 3 कन्वेयर चेन या 4 कन्वेयर चेन की मशीन भी आसानी से हो सकती है। इवन हमारी कोशिश ऐसी है कि ये वाली मशीन पे ही वो वाले अटैचमेंट लगा दिए जाएँ। उसके अलावा इस मशीन को डबल स्टार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी हम आगे चल के देने वाले हैं। तो वो सारे जो वेरिएंट एक पट्टे वाले बेल्ट वाले रीपर में होते थे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देने वाले हैं। ये मशीन कहीं से कहीं तक उससे कम नहीं रहने वाली है, उससे प्लस ही रहेगी, उससे आगे ही रहेगी और उससे मज़ेदार ही रहेगी। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, आप देखेंगे आप जब मशीन खोलेंगे, मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो भी आपको फील आएगा कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई ब्रांडेड कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है। बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी, कॉम्पैक्ट साइज, बिल्कुल सारी चीज़ें हो सकती है ना सर। बहुत बढ़िया लग रही देखने में। बिल्कुल, ये तो बात हो गई रिपर के वेरिएंट के बारे में। अब जैसे आपने फिंगर यहाँ से हटा लिए तो ग्राउंड क्लीयरेंस में कुछ कमी आई है, मार्जिन कितना? बिल्कुल, देखिए फिंगर होता था तो फिंगर का एक हिस्सा नीचे की तरफ भी होता है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ भी होता है, फिर बोल्ट लगते हैं। बोल्ट लगने के बाद में जो मशीन है अगर आप ज़मीन पे रख भी देंगे तो कम से कम उसकी ब्लेड जो है 2 इंच ऊपर आएगी। अगर इस मशीन को आप ज़मीन पे रखते हैं तो उसका लगभग 1 इंच के आसपास में ग्राउंड क्लीयरेंस रह जाता है। यहाँ से बस ये इतना ही बचा है? जी बिल्कुल इतना, ये मतलब ये मान के चलिए ये पाइप 19-20 mm का पाइप है, मतलब वो 20 mm का ही गैप रहेगा जब आप इसको रखेंगे। वहाँ पे लगभग मुझे, मैं समझता हूँ लगभग 70-80 mm का गैप आ जाता है, आराम से आ जाता है फिंगर की वजह से। फिर दूसरी चीज़, फिंगर की वजह से ना मशीन बहुत बल्की हो जाती है, भारी। एक फिंगर का वजन 900 ग्राम होता है, अभी आप समझिए उसमें मेरे ख्याल से कुछ 7 फिट के रीपर में 20 फिंगर के आसपास में लगती है। ये वजन तो 20 किलो बढ़ गया। तो लाइट वेट करने के लिए आपने चेन दे दी, फिंगर हटा लिए, तो काफी कुछ सुधार करा इसमें, बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा ये पूरी मशीन एक मॉडर्न प्रोसेस से बनाई जाती है, सारी मशीन सारे आइटम कंपोनेंट अलग अलग बनाने के बाद में पाउडर कोटिंग किए जाते हैं, पाउडर कोटिंग के बाद मशीन को असेंबली किया जाता है। असेंबली किए करने के बाद में हमारे पास टेस्टिंग यूनिट है, हम उस पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में हम बॉक्स में प्रॉपर पैक करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं आपके पास, जब बॉक्स पहुंचेगा आप उसको खोलिए, ये स्टार असेंबली रहती है, ये अलग रहती है, इनको वापस से लगाइए। उसके लगाने के भी हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे, वैसे लगाइए और चालू कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर को फिट करने के भी वीडियोस हैं, सारी चीज़ें वो भी आपको मिलेंगी, आसानी से फिट कर सकते हैं। किसी भी ट्रैक्टर पे ये फिटिंग आसानी से, बहुत आसानी से हो सकती है, पिछले वाले के मुकाबले तो बहुत आसानी से हो सकती है। अभी तक हमने कोई बनाया तो नहीं है बैक मॉडल, बट अगर यही मशीन को बैक में लगाना चाहें तो बैक में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, बैक में भी लगाया जा सकता है, वो फिटिंग करना पर थोड़ा आसान हो जाएगा, पड़ेगा बस और कुछ दिक्कत, थोड़ा आसान भी तो हो जाएगा। हाँ आसान भी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, लिंकेज पे लग जाएगी। इवन आपसे बात करते करते समय भी ये एक आइडिया आया, आपका धन्यवाद, कि ऐसा कर सकते हैं हम, इस पर कुछ ऐसे ब्रैकेट्स लगा सकते हैं कि ये मशीन ऐसी की ऐसी पीछे भी लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब पाइप्स वगैरह आपको पीछे ले जाने पड़ेंगे तो बैक में भी लग जाएगी। बाकी देखिए बैक में चलाने का मैं ये समझता हूँ, जितना मैंने देखा है बैक में चलाने का कंसर्न यही होता था मशीन का वजन। हाँ। अभी जब वजन ही हट गया तो पीछे लगाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत बचेगी, पर फिर भी अगर लगाना अगर कोई इच्छुक हो तो वो एक अलग चीज़ है, लगा सकते हैं। अब बात आती सर, जैसे आपने इसको
हाइड्रोलिक मोटर पे चला रहे हैं जी, नॉर्मल जो रिपर पीटीओ पे चलते हैं तो उनमें जैसे आरपीएम ट्रैक्टर के 540 आरपीएम से इस तरह से चलते हैं, तो इसमें आरपीएम की कोई दिक्कत आएगी? सर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ऐसी नहीं आएगी कि 1000 आरपीएम के लिए रिपर अलग होता है, 540 के लिए अलग होता है, इसमें कुछ ऐसा झंझट नहीं है। ये 1000 का आरपीएम का ट्रैक्टर हो या 540 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी पे चलेगा, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको ट्रैक्टर का जो पीटीओ का जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई झंझट भी नहीं है। बाकी इसके भी आरपीएम को कम ज़्यादा करने के लिए हमने कुछ गियर्स के स्पेशल गियर भी हम मशीन के साथ में देते हैं, अगर आरपीएम कम ज़्यादा करना है तो आप गियर चेंज करके आरपीएम भी कम ज़्यादा। वो कहाँ से होंगे थोड़ा? यहाँ पे ये जो ये पोर्शन लगा है इस पे एक गियर लगा हुआ आता है, एक गियर हम इसके साथ में देते हैं, तो अगर आरपीएम जैसे अभी हमने पूरे आरपीएम पे मशीन को सेट किया हुआ है, अगर आपको आरपीएम कम करने हैं तो दूसरा वाला गियर लगा के आरपीएम को कम कर सकते हैं। जी जी। और दूसरा एक्सीलेटर पे आपके हाथ में है सारी चीज़ें, आप जितना एक्सीलेटर देंगे उसके हिसाब से मोटर घूमेगी, कम देंगे तो कम घूमेगी, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा घूमेगी। तो जैसे कि आपने यहाँ से बेल्ट हटा के चेन दी है जी, चेन की क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए। जैसे बोलते हैं कि पट्टा मजबूत आता है, बेल्ट मजबूत? नहीं सर, ये पट्टे से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी, ये ग्रेडेड मटेरियल की चेन होती है, पहले से ही हम सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके की चेन, और भी बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। इवन रीपर का जो मॉडर्न रूप है वो यही है, पट्टा उतना कारगर और उतना सक्सेस नहीं है जितना कि ये चीज़ होती है। पट्टा स्लिप हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये स्लिप नहीं होगी, कभी फसल आने से बहुत ज़्यादा लोड आया तो पट्टा तो स्लिप भी हो सकता है, वो तो पुली पे चल रहा है, अगर आया तो रुक जाएगा पट्टा और पुली घूमती रहेगी, बट ये गियर पे है सारी चेन तो ये स्लिप होने के चांसेस नहीं हो सकते इसमें। जी जी, मैं थोड़ा सा मैंने कहा मेरे दिमाग में आया तो किसान भाइयों के दिमाग में भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भानु सर, मशीन यकीनन बहुत बढ़िया, किसान भाइयों को भी पसंद आई होगी, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त पसंद भी आ रही है किसान भाइयों को। बिल्कुल। तो बताइए, कोई किसान भाई आपसे मशीन लेना चाहता तो किस तरह से ले पाएगा? सर वही सिमिलर प्रोसेस है हमसे मशीन खरीदने के लिए। पहला तरीका ये होता है कि आप नियर बाई हमारा डीलर सर्च कीजिए, अगर डीलर है तो आप डीलर के थ्रू परचेज कीजिए, है ना। अगर आपको जानकारी डीलर की नहीं मिल रही है तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कीजिए, अगर नियर बाई हमारा डीलर है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर डीलर नहीं है तो आप डायरेक्टली मशीन हमसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए वही 30-40% का अमाउंट आपको एडवांस हमको पे करना पड़ता है हमारी कंपनी के अकाउंट में, हम मशीन आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपकी जगह पे भेज देते हैं। जब भी मशीन आपके पास पहुंचती है तब आपको बाकी के अमाउंट का डीडी बना के रेडी रखना होता है हमारी कंपनी के नाम का, डिलीवरी वाले बंदे को डीडी देना होता है और मशीन उनसे लेनी होती है। बहुत बढ़िया सर, मशीन देख के यकीनन मेरा दिल बहुत खुश हो गया, किसान भाइयों का भी खुश हो ही गया होगा, और ऐसे ही नई नई प्रकार की स्वदेशी मशीनें लेके आते रहिए। बिल्कुल सर, आप लोगों की कृपा रही तो ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही करते रहेंगे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों के हम लोग हार्वेस्टिंग में अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की सहायता से करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मशीन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो लाइक करके जाओ इस मशीन के लिए, मेरे लिए नहीं करो कोई बात नहीं, इस मशीन के लिए वीडियो लाइक कर दो। और जैसा कि सर ने बताया कि इसको खरीदने स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि इस मशीन को खरीदने की पूरी प्रोसेस आपको वहाँ से समझा दी जाए। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा यहाँ मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।